साथियों, डीआरडीओ सेप्टम 10 टेक ए के पेपर टीयर 1 ओवर हो चुके हैं, एक बचा हुआ है, 22 को ओवर हो जाएगा। अब आप लोगों का टीयर 2 स्टार्ट होगा। टीयर 2 जिसको कि स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट के नाम से आप जानते हैं। देखिए, इस पे हमने ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो दे रखा है, जो कि ऑलरेडी जो है वहां पे हमने 25 मिनट का वीडियो बनाया था, उसमें बहुत डिटेल में मैंने समझाया था। आज मैं इस पर ही इसी कड़ी में और इसमें कुछ एडिशनल बातें बताने वाला हूं। बिल्कुल आप लोग ध्यान में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आप लोग के ट्रेड टेस्ट होने वाले हैं, जो कि सभी आईटीआई ट्रेड का होगा, जहां की 826 पोस्ट के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आईटीआई ट्रेड के जो एग्जामिनेशन अभी टीयर 1 के हुए हैं, अभी टीयर 2 में आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होने वाला है। देखिए, ये जो एग्जामिनेशन होगा, इससे जुड़े कुछ बातें समझ लीजिए। 1 से 2 घंटे का आपका ये प्रैक्टिकल पेपर हो सकता है, ठीक है, 1 से 2 घंटे का, जिसमें कि आप लोगों का ये जो पेपर है टीयर 2 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, और इसका जो है मार्क्स से लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब मार्क्स इसमें कितना लाइस को फर्क नहीं पड़ता, आपको बस इसमें पास कर जाना है, ठीक है। और जो भी आपका मेरिट बनेगा वो टीयर 1 से बनने वाला है, जो सीबीटी एग्जाम आप दिए हैं। एग्जामिनेशन इसका देखिए एंड ऑफ मार्च में संभव है। देखिए, मैं बता देते हैं, अगर आप लोग बस समय की अभाव है तो आप लोग 2x में देख लीजिए इस वीडियो को, या 1.5x में देख लीजिए, ठीक है। लेकिन स्किप करके मत देखिएगा, स्किप करके देखिएगा आपको नुकसान हो सकता है साथियों, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आप लोग का स्किल टेस्ट है, मैं जितने भी ट्रेड हैं सभी ट्रेड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए बता रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का भले एग्जांपल लेंगे, लेकिन सभी ट्रेड में ये चीजें लागू होंगी। देखिए, सबसे पहले मेरी बात को आप लोग गौर से सुनिएगा कि आप लोग जितने भी साथी जिनको भी तैयारी जो भी जुट गए हैं स्किल टेस्ट में, उस जो अपने टूल्स आपके जो भी ट्रेड में टूल्स है उसका बिल्कुल बहुत अच्छे से गहन अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। टूल्स का जरूर आप नॉलेज लीजिए। टूल्स देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और टूल्स का पढ़ाई कहाँ से कीजिएगा। देखिए, आप अगर यहाँ पे चेकआउट करोगे तो देखिए ये पीडीएफ है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, देखिए आपके हर ट्रेड में मिल जाएगा आपको पीडीएफ, जहां से आपको अपने टूल्स के बारे में पढ़ाई करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भी सामग्री होती है, जो टूल्स होता है, जैसे हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का खोले हुए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड देखिए क्या क्या टूल्स है, कॉम्बिनेशन प्लायर है, तो उसका ये फिगर है। अब इसके बारे में आपको अध्ययन करना होगा, कहाँ पढ़ पाइएगा, आपको थ्योरी के बुक में आप उसको पढ़ना होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे आप, देन नीचे पढ़ते हैं हम लोग, तो और सब भी देखिए यहाँ पे कटिंग के लिए यहाँ पे देखिए टूल्स हैं। फिर यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे तो देखिए स्क्रू ड्राइवर है, यहाँ पे पढ़ेंगे तो देखिए पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर हो गया। फिर यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन चाकू है, फिर यहाँ पे टेस्टर है। तो ये आप देख पा रहे होंगे सारे टूल्स के यहाँ पे लिस्ट है। अब ये आपको इसमें ध्यान से इसका गहन अध्ययन कर लेना है कि टूल्स का काम क्या है, ये टूल्स का यूज कहाँ होता है। ये एक पैटर्न का आपका क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका नॉलेज आप लोग को ले लेना है कि टूल्स के बारे में, समझ में आया बात, कैसे आपको ई पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना साथियों, आपको सिंपली देखिए आपको ये वेबसाइट भारत स्किल की जो वेबसाइट है, यहाँ आइए आप लोग। यहाँ भारत स्किल वेबसाइट आने के बाद सीटीएस सेक्शन में जाइए, सीटीएस वाले में। यहाँ जाने के बाद आपका जो भी ट्रेड है उसको खोल लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन खोल लेता हूँ, या एक्चुअली फिटर खोल लेते हैं। फिटर खोलने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा ट्रेड प्रैक्टिकल का, देखिए यहाँ पे बुक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ट्रेड प्रैक्टिकल का डाउनलोड कर लीजिए, और थ्योरी का अगर चाहते हैं तो थ्योरी का भी यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए थ्योरी का यहाँ पे बुक है, थ्योरी वाले में आपको जो टूल्स है टूल्स के बारे में अच्छे से समझा दिया गया है, ठीक है। तो आप ये दोनों ही पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा टूल्स का पूरा अध्ययन कर लीजिए। यही सेम टू सेम प्रोसेस आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो, चाहे कोई भी ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, कोपा, इस सभी का आपको ये काम कर लेना है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कोपा वगैरह में तो नहीं होगा, लेकिन जैसे वेल्डर हो गया, वायरमैन हो गया, डीजल मैकेनिक, इसमें आप ये काम कर लीजिएगा। अब टूल्स रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के आपके बन पाएंगे, देखिए जैसे कि आप ये एक वीडियो देखिएगा, यहाँ पे हमने अपलोड किया था आईटीआई बच्चों का, हम यहाँ पे जो है इन लोगों का मैं टूल्स से रिलेटेड उनसे उनका देखा था ज्ञान को कितना है, भाईवा ले रहा था। तो सेम उसी तरह का आपको भी जो है बहुत सारे टूल्स यहाँ पे दे दिए जाएंगे, और फिर आपको बोला जाएगा बताइए ये क्या, ये कौन सा टूल है, जिसके मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप पूछ रहा हूँ इन बच्चों से कि ये टूल्स का नाम क्या है। तो एक एक करके आपसे नॉलेज लिया जा सकता है, या फिर यहाँ पे आपको देखिएगा तो ये जैसे मल्टीमीटर हाथ में है, अब इस मल्टीमीटर से आप देखोगे तो यहाँ पे मैं इस बच्चे को बोला कि मुझे मेजरमेंट करके दिखाओ, तो ये आपको छोटे मोटे जॉब भी करवाए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत कुछ सीखने मिलेगा। यहाँ पे देखिए इस बच्चे को मैंने यहाँ पे बोला कि आप बताओ कितना रीडिंग आ रहा है, यहाँ पे कैसे चेक करोगे, तो ये भी आपसे करवाया जा सकता है। टूल्स की बात हो गई, समझ में आ गया। इस वीडियो का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। चलिए अभी बिल्कुल आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत कुछ अभी बताना बाकी है मुझे। तो टूल्स रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, एक तो आपका जो है टेबल पे जो है टूल्स रख दिए जाएंगे, जिसमें भी दिखा रहा था वीडियो, और आपको बोला जाएगा ये क्या है, ये क्या है बताओ, उसको जब बता दीजिएगा तो उसके बारे में फिर बोलेगा इसका काम क्या है वो बताओ, फिर उस काम के बारे में फिर उससे और पूछे, जैसे कि मान लीजिए वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, तो बोल देगा कि ये क्या है, बोलेगा वर्नियर कैलिपर, तो बोलेगा इसका लिस्ट काम बताओ, बता दीजिएगा, फिर बोलेगा इसका काम क्या है, फिर वो बताओ, ठीक है, इसका और कहाँ कहीं ले सकते हो वो बताओ। तो उससे रिलेटेड आपको टूल्स रिलेटेड सारे कोई सारे आपको आंसर्स आने चाहिए, सभी टूल्स जितने भी आपके ट्रेड में हैं, समझ में आया, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। तो यहाँ पे दो तरह से हो सकता है, एक तो आपका ये हो सकता है कि टूल्स रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे कर लिया जाए, आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, छोटा मोटा टूल्स का काम करवा लिया जाए, जैसे कि मैं अभी देख रहे थे आप जो है मल्टीमीटर का बोला कि बच्चे को बोला कि आप वोल्टेज नाप के दिखाओ, ठीक है, वीडियो देख लीजिए उसमें पता चल जाएगा, ठीक है, वोल्टेज नाप के दिखाओ, तो छोटा सा ऑपरेशन उसमें करवा लिया, उसको हमको पता चल गया कि हाँ उसको मल्टीमीटर चलाने आ रहा है, उसको वोल्टेज नापने आ रहा है, उसको करंट नापने आ रहा है, तो बस हो गया, आप ट्रेड में पास हो गए हैं। ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपको डेमो ही करवाया जाएगा हमेशा, ठीक है।
कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो फिर उस केस में आपको ये मेथड अपना के भगा देगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए डेमो होता है, तो डेमो का मतलब क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना होगा, एक कोई प्रैक्टिकल ले लेगा, ठीक है, प्रैक्टिकल कोई एक आपको आपके ट्रेड का, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन कौन से हमारे ट्रेड प्रैक्टिकल, तो बस आप यहीं पे आइए, इसी वाले पीडीएफ में ढूंढिए, ठीक है, ट्रेड प्रैक्टिकल जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है इसी में, ठीक है। आप यहाँ भारत स्किल से डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे आप पूरा लिस्ट देख पाओगे कौन कौन सा आपके आईटीआई में प्रैक्टिकल है। देखिए जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सारे, देखिए विषय क्रम दिया गया है, सेफ्टी से है, फिर यहाँ पे आगे बढ़ते चलिएगा तो शोल्डर का, ज्वाइंट्स का है, मेरिट ज्वाइंट है, टी ज्वाइंट है, ये इलेक्ट्रिशियन का है, एनवायरमेंट का है, सभी का, ठीक है। और फिटर का अपना होगा, टर्नर का अलग होगा, तो इस तरह से आप लोग अपना अपना पीडीएफ डाउनलोड करके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, ये तो आपने देख लिया डेमो का कौन कौन सा प्रैक्टिकल हो सकता है आपका। देखिए उसके बाद यहाँ सबसे दो दो चीजें इसमें होगी डेमो में, एक आपको बोलेगा राइटअप करने के लिए, राइटअप मतलब जो भी आप प्रैक्टिकल किया, आपको जो भी प्रैक्टिकल दिया गया, मान लीजिए कि आपको दे दिया गया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, ये पूरा पीडीएफ है जो कि इसमें पूरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पूरा प्रैक्टिकल है। जैसे यहाँ पहला प्रैक्टिकल है टू कंस्ट्रक्ट, देखिए यहाँ पे है टू कंस्ट्रक्ट वन स्ट्रेट ज्वाइंट इन स्टैंडर्ड पीवीसी इंसुलेटेड कंडक्टर मेरिट ज्वाइंट। अब एक मेरिट ज्वाइंट बनाना है, ठीक है, तो उसमें आपको जब राइटअप लिखिएगा, आपको पन्ना दिया जाएगा, उसमें आपको इसी तरह से लिखना है, पहले सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है एम क्या है आपका उद्देश्य, उसके बाद हैंड टूल्स रिक्वायर्ड कौन कौन सा आपको टूल्स रिक्वायरमेंट है, इस तरह से कॉलम बनाना होगा, सीरियल नंबर पर्टिकुलर साइज क्वांटिटी से देना पड़ेगा, जो मटेरियल कौन कौन सा लग रहा है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड ये देना होगा, उसमें प्रोसीजर क्या कहता है, कैसे आप उस ज्वाइंट को बना रहे हैं, स्टेप वाइज करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखना होगा, ठीक है। उसमें देखिए डायग्राम भी आपको छोटा सा बना के दिखाना, जैसे मेरिट ज्वाइंट का एक डायग्राम है, देख रहे हैं आप, ये मेरिट ज्वाइंट यहाँ पे बनाया गया है, देख रहे हैं सारे कनेक्शन को, ये हुआ फाइनल मेरिट ज्वाइंट, ये फिगर आपको बना के दिखाना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रिकॉशंस लिखना होगा, क्या क्या सावधानी आप बरतते हैं, फिर एक यहाँ पे सेफ्टी भी दे सकते हैं आप, सेफ्टी प्रिकॉशंस एक ही हो जाएगा, इस तरह से आपको लिख कर, ये हुआ राइटअप, आप देख पा रहे हैं ना जो मैं आपको बताया ना अभी, यहाँ राइटअप आपको करना होगा, ये राइटअप की जो मैं बात बोल रहा हूँ, राइटअप को करना कब होगा, जब डेमो का पार्ट देंगे, तो हमने आपको समझा दिया है। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पे एक एडिशनल पेज कर यहाँ पे जोड़ के बता दूँ आप लोग को, ताकि बेहतर से आप लोग समझ में आए। देखिए सबसे पहले आप लोगों को टूल्स का नॉलेज, ठीक है, टूल्स का नॉलेज में हो सकता है, मैंने आपको जैसा बताया कि सिर्फ टूल्स का नॉलेज से आधारित आपको टेबल में जो है टूल्स दे करके पूछ ले, और उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर करके आपका देख ले कि हाँ ये लड़का आपको पूरा अच्छे से पता है, नॉलेज है, आपको बोले कि ठीक है जाओ। या फिर दूसरा में ये होगा कि डेमो जब लेगा आपका, डेमो में दो बातें होंगी, एक तो आपको करके दिखाना होगा, कोई एक प्रैक्टिकल दे देगा, जैसे कभी मैंने दिखाया क्या टी ज्वाइंट बोला करने के लिए, वायर का ज्वाइंट करने बोला, ठीक है, या फिर मान लीजिए डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल, या फिर ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन, ठीक है, ये बहुत सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे डेमो के टॉपिक्स जो भी आपके ट्रेड में है, ठीक है, तो वो आपको करके दिखाना होगा। डेमो तो आप करके दिखा दिया, हाँ सर देखिए ऐसे ऐसे ये हमने इसको डीसी शंट मोटर में चला दिया, देखिए सर दिखा दिया, उसके बाद वो आपसे उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको उस प्रैक्टिकल का भी नॉलेज ढंग से होना चाहिए, ऐसे नहीं सबको चलाने आ गया, आपको उसको नॉलेज बताना होगा कि ऐसा इसमें रिहोस्टेट क्यों लगा है, आपने रिहोस्टेट क्यों लगाया पूछ सकता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको मैंने बताया गया दूसरा राइटअप में मैंने आपको दिखा दिया है कौन कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना पड़ता है, ऐसे प्रैक्टिकल का जो पीडीएफ मैं बता रहा हूँ उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बात करें दूसरा प्रैक्टिकल है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, मान लीजिए आपको ये दे दिया वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो आपको ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है टू वेरीफाई द ओम्स लॉ, उसके बाद फिर टू वेरीफाई द ओम्स लॉ व्हेन वोल्टेज कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस वेरी करेगा जब, उसमें हैंड टूल्स कौन कौन सा रिक्वायर्ड होगा, मटेरियल कौन कौन सा हमको लगेगा, ये सारे आपको लिख के दिखाने होंगे, ठीक है। उसके बाद एक सर्किट आपको इस तरह से बना के दिखाना होगा, पेपर में ही सर्किट दिखा दिए, उसके बाद यहाँ पे ग्राफ शो करना होगा, अगर ओम्स लॉ आए तो सब में ग्राफ जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। प्रोसीजर लिखना होगा क्या स्टेप आपने फॉलो किया है, देखिए पूरा स्टेप, उसको ऑब्जर्वेशन टेबल किसी किसी में जरूरत पड़ेगा, किसी किसी में नहीं भी पड़ेगा, देन यहाँ पे आप लोगों को फाइनली कंक्लूजन देना पड़ेगा, कंक्लूजन क्या आपका निष्कर्ष क्या निकाले, और फाइनली रिमार्क या फिर यहाँ पे जो है प्रिकॉशंस या सेफ्टी, इतना पॉइंट्स आप लोग मेंशन कीजिएगा, तो वो होता है प्रॉपर राइटअप, इसको हम लोग क्या कहते हैं प्रॉपर राइटअप, ये आपको लिख के दिखाना होगा, समझ में आया। अब रही बात कि डेमोस्ट्रेशन का काम कैसे करें, डेमोस्ट्रेशन तो सर यहाँ पे होगा नहीं, इसके लिए आपको आईटीआई अपना आईटीआई संपर्क करना पड़ेगा। देखिए इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए तो मेरे पास कुछ है उनके लिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन वालों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा, तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है, जब मैं लड़कों को ट्रेनिंग देता था उस टाइम में कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल्स हैं अवेलेबल, और मैं डेली बेसिस पे कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को अपलोड करूँ, मेरे पहले की भी कुछ अपलोड, जैसे कि आप देखिएगा उस दिन पहले हमने यहाँ अपलोड किया है अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर ऑफ, कैसे आप अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर से अर्थ का रेजिस्टेंस मेजरमेंट कीजिएगा, तो यहाँ पे हमने वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो को भी देखिए आप समझ पाइएगा, कुछ फैमिलियर जरूर हो जाइएगा, ठीक है। तो ये हाल फिलहाल का, और पहले का भी देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारा हमने अपलोड किया हुआ है, जैसे कि डीसी शंट मोटर जो आपका डीसी कंपाउंड मोटर का टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन, सीरीज टेस्ट लैंप, फिर यहाँ पे देखिएगा नीचे तो
हाउ टू फाइंड पावर लॉस कैसे निकालते हैं, ओपन सर्किट टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, वार्ड लियोनार्ड, प्री स्टार्टिंग ऑफ डीसी शंट मोटर, पोलैरिटी टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। इस तरह से आप देखिएगा, देखिए सिंगल फेज पोलैरिटी ट्रांसफार्मर आज सुबह के जो है आज ही मतलब 10 बजे प्रीमियर किया है, मतलब आज 10 बजे आप देख पाइएगा इस वीडियो को। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिशियन का मिल जाएगा प्रैक्टिकल का वीडियो, जो इनमें से हो सकता है किन्हीं को कुछ ये प्रैक्टिकल्स भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल्स का वीडियो बना के रखा है। और आप लोग का जब तक पेपर होगा तब तक मैं बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को रोज मिल जाएगा, आप 10 बजे पक्का आ जाइएगा कीजिए, और प्रैक्टिकल से जुड़ा जो भी वीडियो है आप लोग देखिए, 10 बजे आपको मैं रोज एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा 10 AM में, ठीक है, 10 बजे सुबह में। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यहाँ प्रैक्टिकल का मामला आपका निकल जाए। राइटअप का मैंने आपको समझा दिया, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं, ये आप लोगों को नहीं बताएंगे बहुत लोग, ये पॉइंट देखिए यहाँ पे, ये डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप इस तरह के संस्थान में जब आप जुड़ना चाहिएगा, जब आप जब वहाँ पे जॉब करने की इच्छा रखते हैं DRDO जैसे संस्थान में, वहाँ डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है, इसलिए आप लोग जरा सा भी जो है वहाँ पे जब आपका परीक्षा होगा उसमें इन बातों का ध्यान रखना है कि आप जरा सा भी अशिष्टाचार का वहाँ प्रदर्शन ना करें, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी बात कि आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे अपने आप को एनर्जेटिक रखना है और बिल्कुल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको डेमो आ रहा है, अगर आप में आत्मविश्वास नहीं तो आप गलत कर दीजिए, गड़बड़ कर सकते, आपको डेमोस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी टूल्स का नॉलेज के लिए जब आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हाँ, और जो भी आप कट ऑफ का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल पे अपलोड है। और यहाँ पे देखिए जैसे कि स्किल टेस्ट का रिजल्ट कब आ सकता है, मतलब ये आपका एक स्किल टेस्ट कब होगा, रिजल्ट कब आ सकता है, सर के वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको, हमने बनाया हुआ कट ऑफ का वीडियो भी एनालिसिस किए हुए थे, चेकआउट कर पाइएगा सभी यहाँ पे वीडियोस। और जो है डेमोस्ट्रेशन के लिए आप अपने ITI में संपर्क कर सकते हैं, जहाँ से पढ़ाई किए थे वहाँ सर को रिक्वेस्ट करके कुछ प्रैक्टिकल जरूर सीख लीजिए। और दूसरे ट्रेड वाले ITI वाले इलेक्ट्रिशियन वाले तो यहाँ पे कुछ वीडियोस आप देख लीजिएगा, और अपने कॉलेज में संपर्क करके वहाँ भी सीख लीजिए, यहाँ पे जहाँ भी सीख सकते हैं सीख लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप लोग जरूर एक कमेंट से जरूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कहाँ तक आपकी तैयारी, आप कैसे तैयारी कर रहे हैं जरूर मुझे बताइएगा। अगर उस जगह कुछ देखेंगे कि मेरे तरफ से अगर कुछ हेल्प चाहिए हो तो मैं जरूर अपने तरफ से हेल्प करूंगा। और सुबह के 10 बजे जरूर आप जुड़िए यहाँ पे, सुबह के 10 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए, प्रैक्टिकल का वीडियो जरूर अपलोड करेंगे हम, रोज के दिन अपलोड करेंगे। और राइटअप का प्रॉपर ख्याल रखिए, और यहाँ पे जो है जितनी भी बातें बताएं उन सभी चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।